की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर के स्तोत्रत उच्च विद्यालय इटहे में विद्यालय के बच्चे और अभिभावकों के द्वारा विद्यालय में अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। बच्चे और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में बढ़ती जा रही लापरवाही की सीमा ये है कि विद्यालय में बीते 2 महीने से मध्याह्न भोजन बंद है। साथ ही सरकार द्वारा कोरोना काल में विद्यालय बंद अवधि की भेजी गई प्रतिपूर्ति राशि भी अब तक नहीं बांटी गई है। अन्य सरकारी सुविधाओं की स्थिति भी दयनीय है। बच्चे बताते हैं कि प्राचार्य नियमित विद्यालय नहीं आते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय की वर्तमान प्रबंधन समिति को भंग कर नए सिरे से गठन किया जाए, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि ये सब इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रंभा देवी विद्यालय में ही कार्यरत पारा शिक्षक की पत्नी है और वो विद्यालय में जारी सभी लापरवाही को देखते हुए भी आवाज नहीं उठाती है। वहीं विद्यालय के प्रधान अध्यापक से पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, संयोजिका के चुनाव नहीं होने के कारण विद्यालय मध्याह्न भोजन बंद था और संयोजिका के हस्ताक्षर के बिना राशि का निकासी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से कुकिंग कास्ट की राशि भी वितरण नहीं हो पाई है। मौके पर पंचायत समिति सदस्य सोना देवी, JMM प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील सिंह, फणेश्वर सिंह, विनोद सिंह, नीतू देवी, पारो देवी आदि लोग मौजूद थे। संयोजिका चयन है तो DO के आदेशानुसार मैं आया हूँ और चयन थोड़ी बहुत मतभेद के बीच चुनाव हुआ। नीतू देवी है जिनका सर्वसम्मति से चुनाव किया गया था। मध्याह्न भोजन कुछ दिन से बाधित थी, ऐसा सूचना प्राप्त होते ही DO साहब को भेजे और संयोजिका चयन होने के बाद अध्यक्ष समिति का दोनों हो गया। उम्मीद है कि मध्याह्न भोजन का समस्या। अच्छा, ग्रामीण जैसे बता रहे थे, ग्रामीणों का यह शिकायत है कि जो चुनाव जो हुआ है वो ग्रामीणों के मर्जी से नहीं हुआ है, यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत से हुआ। कुछ ग्रामीण मुझे शिकायत दर्ज कराए हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हुआ, अर्थात सभी के जानकारी में नहीं हुआ है। इसकी सूचना मैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दूंगा कि यहाँ के विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कराया जाए और यहाँ के ग्रामीण को भी आह्वान करूँगा कि एक पब्लिक पिटीशन कार्यालय में दें ताकि फिर से पुनर्गठन नियमानुसार कराया जा सके। सर, क्या लगता है कि आप जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को अगर आप यह प्रस्ताव रखेंगे तो कार्रवाई होगी इस पर? मैं चूंकि विभाग से हूं तो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि नहीं कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो होगी, बहाल किस लिए किया गया है? हमें आदेश दिया गया, मैं आज चयन करके जा रहा हूं, कल से मध्याह्न भोजन चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ये तो सुनिश्चित करके मैं जा रहा हूं। ग्रामीण इस बात को उम्मीद रख सकते हैं कि कार्रवाई होगी, फिर से चुनाव होगा। लोकतांत्रिक समय है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, क्यों नहीं होगा? ग्रामीण की अपेक्षा के अनुसार होगा, लेकिन नियमानुसार, नियम से बाहर है। मध्याह्न भोजन चलना ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका अनुपालन में अगर विभाग लगी हुई है तो जनता को भी उसमें सहयोग देना चाहिए। यहाँ MDM क्यों नहीं बन रहा था? ग्रामीणों का कहना है कि बीते 2-3 महीनों से यहाँ पे बंद है MDM। 27 तारीख तक चला है, 27 जून तक इधर नहीं बंद हो गया, पैसा नहीं निकलने के कारण अगला उधार पैसा नहीं निकलने के कारण भोजन बंद हुआ है, भोजन चल रहा था, सब जगह चल रहा है, यहाँ बंद है यहाँ, क्योंकि संयोजिका का चुनाव नहीं हो रहा है। संयोजिका चुनाव के लिए सदस्य को बुलाया जा रहा है, सदस्य नहीं मिल रहा है। नियम है कि बच्चा के जिसको बच्चा है उनको चुनाव किया जाए, बिना बच्चा होना है तो हमको होना चाहिए, इसी कारण से है कि यहाँ लड़ाई होता जा रहा है और संयोजिका का चुनाव नहीं हो रहा है। इसी कारण है कि बच्चा को दिक्कत हो रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं और बच्चा को दिक्कत दे रहे हैं, बच्चा को
किसी को ध्यान नहीं है कि मेरा बच्चा भूखे है, किसी को दूर दूर के बच्चा आता है, भूखे से आते जाते हैं। साहिबा कौन सी क्लास में पढ़ती है बता, किस क्लास में पढ़ती है? अच्छा खाना कहाँ से लाके खा रहे हैं आप? स्कूल में नहीं मिलता है? कहाँ घर है? नौगढ़। स्कूल में खाना नहीं बनता है? खाना घर से लाके खा रही हो? कौन क्लास में पढ़ती हो? केजी में। क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अभी आप लोग का लंच हुआ है? अच्छा लंच हुआ है तो आप लोग लंच किए? क्यों नहीं किए? नहीं लाए हैं? स्कूल में लंच नहीं मिलता है? क्यों? क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। कहाँ घर है? आप लोग सारे ग्रामीण आज आए हैं, कौन से स्कूल में आए हैं? राजकीय उच्च विद्यालय। क्या मामला है, किस वजह से? मामला यहाँ ए सी है, प्रबंधन समिति ढंग से नहीं चल पा रहा। यहाँ का प्रधानाध्यापक हैं तो समय पर कबो नहीं आते हैं, उनको अगले 7 साल 14 में आए हैं यहाँ, कबो यहाँ समय पर नहीं आते, आधा घंटा से समय हमारा स्कूल में देने नहीं करते हैं ज़्यादा, 11 बजे आएंगे 12 बजे चले जाते हैं, डेली का पर डे का उनको यही काम। और कोई कारण है? और बहुत सारे कारण है, जहिया से आए हैं हमारे पेंट का जोड़ा स्कूल में कबो नहीं कराए हैं, और शौचालय का देख लीजिए, शौचालय यहाँ नवा नफा का लेडीज रहता है, लड़की रहता है, वो सब बाहर जाती है, यहाँ कोई विधि व्यवस्था नहीं है, जहिया से आए हैं मैंने सिस्टम ही ठेका खराब हो चुका है। क्या मामला क्या है, क्यों आए हैं आप सब ग्रामीण आज स्कूल में? यह है कि प्रबंधन समिति के चुनाव था, मैंने होल पिटवा कर पहले मैंने गांव को जुटाया गया कि प्रबंधन समिति को नया सचन किया जाए, पुराना को हटाया जाए, और हेडमास्टर है से ये अपने दरखास्त लिख करके PRC में दे करके खाली संयोजिका के चुनाव करा रहे हैं, बात तो समझे, अब बिजली बंद है, मैंने बेसे दिन से हो गया, हम लगभग एक महीना करीब करीब पार एक महीना पार कर गया, और अध्यक्ष यहाँ की लेडीज है, बात तो समझे, जो प्रधानाध्यापक या टीचर को कुछ भी नहीं बोलती है, कि समय से आते हैं कि नहीं, कब मैंने कोई गारंटी नहीं, बोला ही नहीं है, कई बजे आना कई बजे चल जाना है, प्लस है कि उनका पति है से 12 टीचर भी है, बात तो समझे, हम लोग शौचालय के लिए कहे सुना कहे कि बनाया जाए तो एक दफे मीटिंग में कहे कि बूथ कितनी ईंटा वगैरह गिरा जाएगा, उसके बाद काम आपका शुरू हो जाएगा, तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और जितने स्कूल को जो पैसा आया अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कोई पेंट पोचौड़ा नहीं हो रहा है, टोटल आपका नजर आ रहा है स्कूल, कोई मैंने ढंग से विधि व्यवस्था नहीं है, बात तो समझे, पैसा मैंने पते नहीं चल रहा है कि कहाँ चला जा रहा है, आए हैं वो कहलन जे सब जो गुमता के बोलवे लबा से चलिए सब लोग अगर ये सब चुनाव कर लेला अब हम अली तो कुछ कहे ना या का दिक्कत हो जाए स्कूल में खाना उना के नहीं की हम जा पहले बना हलक अब नहीं खेत अब कितना दिन अब रुआ अब अथी हो गई हलक मेरा नाम भोला सिंह बेटे है। क्या मामला? मामला ये है जो प्रबंधन समिति का भंग करने का पूरा ग्रामीणों ने आवाज़ उठाया, जिसको प्रधानाध्यापक ने BO साहब के आवेदन लिखा जो सिर्फ संयोजिका के ही चुनाव किया जाए, और पूरा ग्रामीण का मांग है जो पूरा प्रबंधन समिति भंग किया जाए, प्रधानाध्यापक और अध्यक्ष के मिली भगत से भी लोग ने ऐसा काम किया है, BRC में दिया है आवेदन, कोई किसी ग्रामीण से न पूछा है न कोई सदस्य से पूछा है। स्कूल में खाना बनता
खाना स्कूल में बन रहा था पहले, लेकिन ये सब संयोजिका के अभाव में नहीं बन रहा है। कब से नहीं बन रहा? एक महीना से नहीं बन रहा है। एक महीना से अब हम लोग पूरे मांग कर रहे हैं कि प्रबंधक समिति को भंग किया जाए। अच्छा, स्कूल में जो पैसा आया था कहाँ? बच्चा को पैसा नहीं मिला है, कुछ भी पैसा नहीं है। वो 7 साल से हेडमास्टर कर रहे हैं ना हाई स्कूल के, वो पूर्व से हिसाब देवे जो जमीनी काम क्या किए हैं स्कूल में, कुछ एक भी काम नहीं किए हैं स्कूल में। अपना लैब के लिए दो रूम आया था, वो भी घूम लौटा दिए। अब कहते हैं जो रूम के अभाव है, तो रूम का अभाव नहीं रहेगा, बनवाई भी नहीं करेंगे था।